प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश में मोदी के खिलाफ अंडर करंट का माहौल है, जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रही है। गहलोत ने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना भी कांग्रेस के पक्ष में जाता है, क्योंकि जनता मोदी के 5 साल के कार्यकाल से तंग आकर ये मतदान कर रही है। पीएम मोदी पर गहलोत ने हमला बोला और साथ ही कहा कि मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी जी से सच बुलवाना असंभव है। उन्होंने कहा कि मोदी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के सीएम पर आरोप लगाने का मोदी को कोई अधिकार नहीं। आज देश अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है और अब चुनाव के बाद मोदी की दुकानदारी उठने वाली है। सीएम अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। प्रथम फेज में चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, उसके लिए आम मतदाताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस एकजुट तरह काम किया, सब लोगों में समय रखा, उसे अच्छा माहौल बना और हमें लगता है कि मोदी जी के खिलाफ में अंडरकरंट चल रहा है। जो परसेंटेज बढ़ी है वोटों की, उसके माने यही है कि जैसे वाजपेयी जी के वक्त में फील गुड इंडिया साइनिंग का जो माहौल बनाया गया देश के अंदर, उसी रूप में मोदी जी अमित शाह जी कमी नहीं रख रहे माहौल बनाने में। पर जनता बड़ी समझदार है और जिस रूप में इन्होंने 5 साल जुमलेबाजी करी, जिस रूप में झूठे वादे किए, ब्लैक मनी के भी, रोजगार देने के भी, महंगे कम करने के भी, पिंक रिवोल्यूशन के भी, लोकपाल 5 साल में बनाए गए हैं, जनता सब देख रही है।